क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ HPS. दिस इज योर इंग्लिश क्लास. सो बी रेडी विथ योर इंग्लिश रीडर बुक. ओपन पेज नंबर 86. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8. इन द लास्ट वीडियो वी लेफ्ट ऑन इट अपर जॉ. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द 8 टीथ एट द फ्रंट, 4 लोअर एंड 4 अपर. जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 जो टीथ होते हैं फ्रंट के, आर कटिंग टीथ. जो कि कटिंग टीथ होते हैं, दे आर कॉल्ड इनसीजर्स. और उनको क्या बोलते हैं? इनसीजर्स. इन 4 टीथ को, 1, 2, 3, 4 टीथ को इनसीजर्स बोलते हैं, ऊपर के और नीचे के. द नेक्स्ट 4, 2 लोअर एंड 2 अपर. जो यहाँ के जो 2 लोअर जॉ में और अपर जॉ में जो 2 होते हैं इसके बाद के, दे आर कॉल्ड कैनाइंस. ये पॉइंटेड टीथ होते हैं. दे आर पॉइंटेड टीथ एंड दे आर कॉल्ड कैनाइंस. इनको कैनाइंस बोलते हैं, शार्प होते हैं. द नेक्स्ट 20, जो आगे के जो 20 टीथ होते हैं ये सब, 10 लोअर एंड 10 अपर, आर च्यूइंग टीथ. इनको च्यूइंग टीथ बोलते हैं. चबाने के लिए, च्यूइंग करने के लिए, दे आर कॉल्ड मोलर्स. और इनको मोलर्स कहा जाता है. इंसीजर्स, कैनाइंस एंड देन मोलर्स. द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर. परमानेंट टीथ पूरे कब यूजुअली अपीयर होते हैं? 6 से 14 ईयर्स के जब हो जाते हैं. बट द 4 विजडम टीथ, 2 लोअर एंड 2 अपर, डोंट अपीयर अंटिल वी आर 20-25 ईयर्स ऑफ एज. 4 विजडम टीथ होते हैं ऐसे, वो 20-25 ईयर तक भी नहीं आते हैं. इन सम पीपल दे नेवर अपीयर. और कभी किसी में तो दिखाई ही नहीं देते हैं, कभी नहीं आते हैं. ईच टूथ इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. एक टूथ 2 पार्ट में डिवाइड होता है. द पार्ट ऑफ टूथ इन साइड द गम इज द रूट. और जो गम के नीचे होता है ना, वो रूट होता है. The part that can be seen in the mouth, और जो हमें दिखाई देता है वो crown कहलाता है. जो अपर जो हमें दिखता है वो crown कहलाता है. The crown is covered with a very hard substance called enamel. अब जो ये जिससे cover होता है इस, ये क्या बोलते हैं उसको? enamel. देखिए ये जो covered है ये अंदर का part है, root. ये हमें दिखाई देता है crown. और जो इसका हार्ड पार्ट होता है वो होता है इनेमल. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथएक इज डीके. सबसे जो कॉमन कॉज वो होता है वो क्या होता है? डीके. डीके मीन्स टूट जाते हैं ना, खिर जाते हैं, टूट जाते हैं. इफ़ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, अगर वो क्लीन नहीं होते अच्छे से, टाइनी पीसेस ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन देम. जो छोटे छोटे खाना जो होता है वो बीच में लेफ्ट रहता है, बच जाता है, वो वहाँ फंस जाता है. बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दीज पार्टिकल्स. और फिर इन पार्टिकल जो जम जाएंगे वहीं रह जाएंगे, तो उनसे क्या? बैक्टीरिया पनपेंगे. द शुगर इन आर फूड एक्ट्स विद दीज बैक्टीरिया. जो हमारे फूड के अंदर जो शुगर पार्ट होता है वो इन बैक्टीरिया से रिएक्ट करता है. एंड एसिड्स आर फॉर्म, फिर एसिड बनता है. दीज एसिड्स कॉज द इनेमल टू डिके. और यही इनेमल हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं. यही जो एसिड है वो हमारे इनेमल को नुकसान पहुंचाता है. एंड व्हेन द इनेमल इज़ गॉन, और जब इनेमल पूरा ख़त्म हो जाता है, द टूथ कांट लिव लॉन्ग. और फिर टूथ बहुत ज़्यादा दिन तक फिर नहीं चल पाता है. सबसे बेसिक मेन चीज़ क्या हुई इसकी? इनेमल, जिसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.
You can't eat and chew your food well if you don't have strong teeth. आप फूड को chew नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे अगर आपके teeth मजबूत ना हो. Therefore, you must take care of your teeth. इसलिए आपको अपने teeth की बहुत देखभाल करनी चाहिए. Brush your teeth daily. अपने teeth को brush करना चाहिए daily. Go to the dentist also. अगर कोई कुछ हो रहा हो, pain वगैरह हो रहा हो, तो आपको dentist के पास जाना चाहिए. Visit the dentist above twice a year, even if there seems to be nothing wrong. Dentist के पास साल में दो बार जाना चाहिए. अगर आपके कुछ ना भी हो तो भी आपको जाना चाहिए. Okay? This is all for now. We have completed this chapter. We will do question answers in the next video. Tick and cross. All babies are born with teeth? No. Teeth help us to speak properly? Yes. We have two jaws in our mouth? Yes. Every child has two wisdom teeth. Every child has two wisdom teeth. Child के नहीं होते ना, four wisdom teeth होते हैं ऐसे भी. Cross. The cutting teeth are called incisors. Yes. Chewing teeth are called molars. Yes. Pointed teeth are called canines. Yes. A part of each tooth is inside the gum. A part of each tooth is inside the gum. Yes. एक part तो tooth का gum के अंदर ही होता है ना. Teeth help us to cut up and chew our food. Yes. Okay, do it in your book. This is all for now. Goodbye and have a nice day.